छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले में आयोजित महाधरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का ईडी ने जो प्रमाण सहित न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया उसके आधार पर 2020-21 से 2021-22 तक 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का साक्ष्य प्रमाण सहित ईडी ने जब्त किया है। साथ ही उन्होंने अवैध शराब को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 30-40% शराब अवैध रूप से बेच रही है। बिना होलो वेट और एक्साइज ड्यूटी के सरकारी दुकान में पीसीएम के नाम से 2000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने सन 2017 में अवैध शराब को रोकने की पॉलिसी बनाई जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सन 2019 में बदलकर अवैध शराब के धंधे के रास्ते खोल दिए। भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जो प्रमाण सहित न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके आधार पर 2021-22 तक 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला के साक्ष्य प्रमाण सहित ईडी ने जब्त किया है और टोटल शराब बिक्री का 30-40% अवैध रूप से सरकार के दुकानों में अभी तक तो शराब के ठेकेदार अवैध शराब बेचते थे। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज होगा जहाँ सरकार अवैध शराब बेच रही है बिना होलोग्राम के, बिना वेट पटाए, बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए। ये सरकारी दुकान पे पीसीएम के नाम से 2000 करोड़ रुपये कलेक्ट किया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ा प्रमाण और कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये पूरे डिस्टिलरी के साथ जब शराब निकलता है उस समय वीडियोग्राफी होती है, दुकान में आता है तो सीसीटीवी में निगरानी में रहता है। 17 में हमने पॉलिसी बनाई थी जिसमें अवैध शराब के काम बंद हो गया था। 2019 में इन्हें नई पॉलिसी बनाई है जिसमें अवैध शराब के धंधे के रास्ते खुल गए हैं और इसलिए आज हम ये घोटाले की श्रृंखला है। पहले कोयले में 25 रुपया की अवैध वसूली, फिर 5000 करोड़ का चावल का घोटाला, अब ये 2000 करोड़ रुपया का जो शराब घोटाला हुआ है उसको यदि तुलना किया जाए हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार में, दिल्ली में शराब घोटाला से 10 गुना बड़ा है। अब भूपेश बघेल को एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री पद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। 60,000 मेट्रिक टन चावल की अफवाह तरफी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5000 करोड़ का घोटाला कैसे बढ़ा है। 30-40% शराब की कीमत में वृद्धि हो गई। आप शराब दुकान में जाके पूछे, किसी शराब पीने वाले भाई से पूछे, 40% शराब में बिक्री हो गई है, बिक्री कम हुई है, बिक्री का प्रतिशत वर्ष भर घटता जा रहा है और कीमतें बढ़ती जा रही है। इसलिए 40% कीमत बढ़ाने की वजह से राजस्व थोड़ा बहुत बढ़ा है मगर 30% बिक्री बंद कम हुई है, इसका जवाब सीएम को देना चाहिए।